नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आरंभ है प्रचंड में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनावी तस्वीर साफ हो चली है। इस बार 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव का पहला चरण सबसे बड़ा चरण है, जिसमें 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान होना है। अब नाम वापसी के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पहले चरण में 1500 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाते नजर आएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए प्रत्याशी ताल ठोक कर मैदान में उतर चुके हैं। पहले चरण की 102 सीटों के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, जिसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या करीब 3,288 थी, जिसमें से 828 नामांकन निरस्त हो गए और 21,106 नामांकन सही पाए गए। अब नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो चली है, जिसमें 1500 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव होगा, जहां 102 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों पर चुनाव, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव, राजस्थान में 12 सीटों पर, उत्तराखंड में 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव, बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होंगे, हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव है, मणिपुर में 2 सीटों पर, असम में 5 सीटों पर, मेघालय में 2 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव है। इसके साथ छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान, पौंडीचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा में एक एक सीट पर मतदान होगा। इस तरह कुल 102 सीटों में पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा, जो 7 चरण में सबसे बड़ा चरण होगा। इसलिए उम्मीदवारों की संख्या भी इस चरण में सबसे ज्यादा है। नजर डालते हैं किस पार्टी के कितने उम्मीदवार इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। एनडीए, भाजपा के 78 उम्मीदवार, सहयोगी दलों के 24, इंडी गठबंधन, कांग्रेस के 58 उम्मीदवार, सहयोगी दलों के 44। आइए अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, कि पहले चरण के चुनाव में सीट किसके पास कितनी थी। भाजपा 42, कांग्रेस 14, डीएमके 24, समाजवादी पार्टी 2, बसपा 2, आरएलपी 1, लोजपा 2, सीपीएम 2, सीपीआई 2, शिवसेना 1, जेडीयू 1, अन्य दल 8। पहले चरण के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख चेहरे नितिन गडकरी, के अन्नामलाई, कानीमुंजी, ए राजा, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, प्रताप सिंह, नकुल नाथ, फग्गन सिंह कुलस्ते, कवासी लखमा। इसके अलावा दिलचस्प मुकाबले में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां ननंद भाभी का मुकाबला होगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उम्मीदवार घोषित हैं, वहीं अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार को उसी सीट से मैदान में उतारा गया है। इस तरह दिलचस्प मुकाबले के बीच पहले चरण का चुनाव होगा। इस जंग को जीतने के लिए पहले चरण वाली सीटों पर ही राजनीतिक दल ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मोहन तिवारी, TV24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से जहां जमीनों की रजिस्ट्री पर मिलने वाली 30% की छूट खत्म हो चली है, तो वहीं शराब की कीमतों में इजाफा हुआ है। इन बदलावों से शासन को जहां अधिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, वहीं विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। आखिर रजिस्ट्री में छूट और शराब की कीमत को लेकर क्यों मचा है प्रदेश में बवाल, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से कई बदलाव धरातल पर लागू हुए हैं। प्रदेश में पिछले 5 सालों से रजिस्ट्री में मिल रही 30% की छूट खत्म कर दी गई है, वहीं शराब की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश में शराब अब 150 रुपए तक महंगी हो गई है। अब तक कोरोना और गौठान के विकास के लिए लगाए जा रहे सेस को समाप्त कर दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाया गया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि नई आबकारी नीति से लगभग 10,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो। इसी तरह रजिस्ट्री में छूट समाप्त करने से भी सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। अब कांग्रेस इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है।
पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, 1 अप्रैल को सरकार ने जनता को अप्रैल फूल बनाया है। रजिस्ट्री में छूट को समाप्त कर जहां जनता को मिलने वाली राहत खत्म कर दी गई, वहीं शराबबंदी की बात कहने वाली भाजपा की सरकार ने शराब की कीमतें बढ़ा दी। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सरकार के फैसलों का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के व्यापक हित में सरकार निर्णय ले रही है। उन्होंने कांग्रेस पर ही जनता को ठगने के आरोप लगाए। हमारे पास देश में आय स्रोत की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसे गरीब जनता को जाने चाहिए, देश की मोदी सरकार ने उन पैसों को रोककर, उनको डाइवर्ट कर चंद दो उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है, जिससे कि वो पैसे गरीबों तक नहीं जा पा रही है। इसलिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस का प्लान है कि देश में समान व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। गरीबी और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ये सरकार सत्ता में आई, लेकिन गरीबी कम नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुआ, बेरोजगारी कम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के पास जाएगी, हमें भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं। जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा, उन्हें आज ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात कहने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने रजिस्ट्री में छूट की शुरुआत की गई थी, अब इसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही शराब की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार के राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन चुनाव के समय इसका सियासी असर भी देखने मिल रहा है। TV24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है। कांग्रेस के कुछ दिग्गजों को अपने पाले में कर लेने के बाद क्या बीजेपी को जनता का भी आदेश मिल चुका है? क्या वाकई लोकतंत्र में बाजी पलटने की ताकत है, या जनता अब भी कुछ चौंकाने वाला कर सकती है? क्या मोदी और मोहन की सरकार से इतनी बाहर आ चुकी है कि चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं और कांग्रेस भंवर में है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये लोकतंत्र की ताकत है कि यहाँ कुछ भी अंतिम नहीं होता। सियासी दल भले ही जीत के लिए सारे इंतजाम कर लें, लेकिन अंतिम मुहर जनता की ही लगती है और जनता का मन चुनाव के एक दिन पहले भी बदल सकता है और चुनाव के दिन भी। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत को पक्की करने की धुन में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस के हर उस विकेट को गिरा देना चाहती है जो उसकी जीत में बाधा बन सकते हैं। आज कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से अपने महापौर को भी खो दिया। कमलनाथ के गढ़ में ये दूसरा सबसे बड़ा विकेट था, जिसे अपने पक्ष में करके भाजपा के नेता फूले नहीं समा रहे। तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। इधर कांग्रेस ने मऊगंज से विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी को अपने दल में सदस्यता दी। कांग्रेस में ये पहली बड़ी ज्वाइनिंग है। इस बार कांग्रेस की तरफ कम ही नेता गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनावी तैयारी में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही है। जीतू पटवारी लगातार जीत का स्वाद चखने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था देश के किसानों से कि मैं समर्थन मूल्य MSP की गारंटी लेके आऊंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख सबके खातों में चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जहां थे उससे सारे सेंसेक्स ये बताते हैं कि देश 80% बेरोजगार है। महंगाई एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा हमारे यहां हो गई है। जो किसानों की दुर्गति देश में हो रही है, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है।
सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल क्या देश के लोकसभा चुनाव को फाइनल दिशा दे चुका है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार फाइनल है या अभी भी लोकतंत्र में बाजी पलटने की कोई गुंजाइश है? क्या जनता ने वही मन बनाया है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है या जनता के मन में कुछ और भी है? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उससे सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाना चुनावी दांव से ज्यादा नहीं है। नेताओं को भविष्य की चिंता दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह और छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके के भाजपा में आने के बाद छिंदवाड़ा की दीवारों में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पद, पैसा और दबाव के चलते लोग जा रहे हैं, निष्ठा से जो काम करते हैं वो कहीं नहीं जाते। अभी तो हमारे इक्का दुक्का जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में तो हमने टेंट लगाकर ज्वाइनिंग करवाई थी। या तो उनको पद की लालसा हो या उनको पैसे की लालसा हो या उनके ऊपर ऐसा दबाव हो, कोई ऐसे गलत काम उन्होंने किए हैं जिसको सरकार द्वारा उनको कुछ हानि हो सकती है, उनको सजा हो सकती है या उनपे कोई टैक्सेशन का दबाव हो सकता है। तो इस तरह से तीन दबाव की वजह से लोग जाते हैं। अब जो जा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं कि किस कारण से वो जा रहे हैं, पैसे की लालसा है या पैसे दिए गए उनको, तो ये सब बातें तो वही लोग अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक सोचना है कि निष्ठा से जो लोगों ने राजनीतिक दल में काम करते हैं वो कभी भी इस तरह की दबाव में नहीं आते हैं और वो अपनी ही पार्टी में काम करते हैं। हमने सब दौर देखे हैं, विधानसभा के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इसी कार्यालय में बाहर टेंट लगा लगा के हमें लोग आ रहे थे हमारे पास और बड़ी बड़ी रैलियां लेके आते थे। ये तो अभी जा रहे हैं इक्के दुक्के जा रहे हैं, इनके साथ इनके पीछा भी कोई, इनका पड़ोसी भी नहीं जा रहा, इनका साथी भी नहीं जा रहा कोई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस जैसे ही संभलने की कोशिश करती है भाजपा उसे फिर झटका दे देती है। कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ की स्थिति है वो दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेताओं की रीति, नीति और नियति पर भरोसा नहीं है। अब तक देश भर में 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे है, जहां 17,000 कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी इस पर चुटकी जरूर ले रही है। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की भगदड़ की स्थिति, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेता, नीति और नियत और नीति तीनों चारों पर विश्वास नहीं बचा। जिस पार्टी में भयंकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण व्याप्त हो, उस पार्टी में कार्यकर्ता कैसे चैन की सांस दे सकता है? इसीलिए देश भर के 1 लाख से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन हो चुके। मध्य प्रदेश की बात करें, हम देश में सबसे आगे हैं। 17,000 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम टेंट लगाकर कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराते हैं, अरे आपका सब तंबू उखड़ गया। और हर सजग व्यक्ति को इस बात की चिंता होती है कि वो अपने जिस राजनीतिक भाव के साथ, सेवा के भाव के साथ है, वो कहां पूर्ण होगा। तो कांग्रेस पार्टी में अपूर्णता है और अपने सेवा भाव को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस से नेताओं का रुखसत होना क्या चुनाव में कांग्रेस को नुकसान देगा या बीजेपी को फायदा। TV24 के लिए भोपाल से GS गोविंद की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के बाद आइए अब रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी जोरों से शुरू कर दी है। हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बेताब है। जनता को भाषणों से प्रभावित करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार है, जिस सूची में भाजपा की पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची की बात की जाए तो इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शीर्ष पर है। स्टार प्रचारकों को लेकर किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारी, देखिए वैभव पटवाल की इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। पार्टी के इन सुपर स्टार प्रचारकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सबसे ज्यादा मांग है। 5 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी अपने चुनावी क्षेत्रों में इन सभी नेताओं की जनसभाएं कराए जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ व विकास नगर में जनसभा करेंगे। गढ़वाल सीट पर योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं होंगी। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र को 16 केंद्रीय नेताओं के नाम दिए हैं जिनकी सभाएं हमने मांगी है। अभी तक 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की सभा रुद्रपुर के लिए निश्चित हुई है, उसकी पार्टी तैयारी कर रही है। शेष पर अभी स्वीकृति आनी बाकी है। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम मांगे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मांगे हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मांगे हैं, नितिन गडकरी जी के मांगे हैं, स्मृति ईरानी जी के मांगे। इस प्रकार जो भी हमारे राष्ट्र नेता हैं, 16 नेताओं की हमने सूची भेजी है। जिन जिन के भी जो जो कार्यक्रम आते रहेंगे, जिस हिसाब से वहां से स्वीकृत होकर हम उनके कार्यक्रम कराएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों को लेकर अपनी पूरी योजना तैयार कर चुकी है। अगर लोकसभा वार देखा जाए तो प्रियंका और राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मांग है, जिसे लेकर जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी की भी चुनावी रैलियों की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कई बड़े नेता चुनावी रैलियों में शिरकत कर सकते हैं। देखिए, चुनाव की जो घोषणा हुई थी उससे पहले कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान पे उतर चुकी थी। उसके लिए हमने वॉर रूम का भी गठन किया, उसमें मैं वॉर रूम का चेयरमैन भी हूँ। तो हम लोगों ने पूरा बूथ स्तर पर जो हमारे बीएलए हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जो उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए थे, जो छलावा किया था, वो सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और देहरादून के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक विशाल जनसभा देहरादून के अंदर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अब आना शुरू हुए हैं, हमारे तो कई महीने पहले खड़गे जी यहाँ पे आके जा चुके हैं। और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी लोकसभा 5 सीटें हैं, तो उसमें जो हमारे कैंडिडेट जिनकी डिमांड कर रहे हैं, वो सूची हमने पार्टी हाईकमान को दी है। निश्चित तौर पर जैसे हमारे सोनिया जी हो गई, प्रियंका गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, इनकी डिमांड पूरे हमारे प्रदेश में राज्य भर के अंदर है। और उनका भी दौरा उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर बहुत जल्दी हमको उनका कार्यक्रम मिलेगा। और जिस हिसाब से जहां पे डिमांड है, वो स्टार प्रचारक भी हमारे प्रदेश के अंदर आएंगे और चुनाव को निश्चित तौर पर एक गति मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, उससे आम जनता को निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी के साथ ही धामी के भाषणों की गूंज के सामने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बगावती स्वर जनता पर कितना असर कर पाते हैं, ये तो आने वाली चुनावी रैलियों के बाद जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन पहले चरण के मतदान के लिए भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपनी ताकतों को देवभूमि उत्तराखंड में झोंक दिया है। जल्द ही जनता को अपने पसंदीदा नेताओं के दीदार और भाषण सुनने को मिलेंगे। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में TV24 देहरादून के लिए वैपटल की रिपोर्ट। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि वो हमें गुमराह कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से केजरीवाल को जेल में 3 किताबें, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड देने की मांग की। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटें जीतने का संकल्प ले चुकी बीजेपी लगातार चुनावी मोड पर है। अभी पार्टी के पास 29 में से 28 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस की इकलौती छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को भी बीजेपी अपने खाते में डालना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने कांग्रेस के अभेद किले छिंदवाड़ा में सेंधमारी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। आज छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। विक्रम आहाके से पार्टी बदलने को लेकर बातचीत की TV24 के वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम आहाके ने अभी भारतीय जनता पार्टी आज सुबह ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया आज आपने, और खास तौर से कुछ समय पहले वहां अमरवाड़ा के जो विधायक, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, ऐसा क्या हुआ कि छिंदवाड़ा का गढ़ टूट रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा भी अब माननीय मोदी जी के साथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी के साथ जुड़ना चाह रहा है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ विकास के मामले में कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, किंतु इस बार मुझे लगता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं,
छिंदवाड़ा इससे अब अछूता नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव के समय ही आपने पार्टी बदलने का क्यों तय किया, क्योंकि इससे पहले भी आप वहां काम करते रहे और खासतौर से कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, सातों विधानसभा सीट भी कांग्रेस के पाले में है, खुद नकुलनाथ वहां से सांसद है, उसके बावजूद एक विधायक और एक महापौर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्या कारण? देखिये, पूरा भारत आज मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी के साथ जाना चाहता है, तो छिंदवाड़ा के लोग भी, छिंदवाड़ा के जो साथी है, सम्मानित जनप्रतिनिधि है, वो भी आज मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस सवाल मेरा कि वहां की जनता ने आपको महापौर चुना, कांग्रेस से आप प्रत्याशी थे, कांग्रेस की तरफ से आपको वोट मिले, अब जब जनता के पास जाएंगे इस बार तो क्या जवाब होगा आपके पास, किस तरह से उनको कन्विंस कर? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हमें चुनाव में चुनकर भेजा, महापौर के रूप में चुनकर भेजा, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा कर पाएं, और जो कि बिना सरकार के संभव नहीं होता। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो बाकी जिले को मिलता है। जी बिल्कुल। तो ये तो थे विक्रम आहाके जो छिंदवाड़ा से महापौर हैं, और हाल ही में आज सुबह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनसे पहले भी हम कहें एक विधायक अमरवाड़ा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ये कह लें कि जो कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगा रही है। दो बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए, और निश्चित ही लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा की जो छिंदवाड़ा सीट है उसमें काफी फायदा भारतीय जनता पार्टी को इनके पार्टी में आने से होगा। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।